हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब की पर। और आज फिर से जो है मैं बायोलॉजी एमसीक्यू का अगला पार्ट लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न आज है, पौधों में अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रिक्तिका में, ग्रेना में, स्ट्रोमा में या अवर्णी लवक में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्ट्रोमा। ठीक है, पौधों में अप्रकाशिका अभिक्रिया डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं CO2, H2O, क्लोरोफिल या मेसोफिल कोशिकाएँ। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है वो वाटर होता है, यानी कि H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, प्रकाश का लाल और नीले क्षेत्र में, हरे व पीले क्षेत्र में, नीले व नारंगी क्षेत्र में, बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में चलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, CO2, भूमि में अवशोषित कार्बोनेट से, जल से या धातुओं के ऑक्साइड से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हमें जीवन देने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। ठीक है, जल जो है, जल से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, चालन और श्वसन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ट्रांसलोकेशन और रेस्पिरेशन, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि चालन और श्वसन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे क्या पैदा करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास है, कार्बनिक द्रव्य, अकार्बनिक द्रव्य, खनिज या पोषक तत्व। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, कार्बनिक द्रव्य, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएँ काम करती हैं। तो जो पत्तों में सिराएँ होती हैं वो उनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण, भंडारण का, वाष्पोत्सर्जन का या चालन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन का, ट्रांसलोकेशन का। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का कार्य जो है वो कौन करता है, वो सिराएं करती हैं। नेक्स्ट है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला पिगमेंट यानी कि वर्णक यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड, क्लोरोफिल या फाइकोसाइनिन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपीत यानी कि जैंथोफिल। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जैंथोफिल होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम होता है, ये सभी को पता होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो किस प्रक्रिया के दौरान जो है पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो ऑप्शंस हैं, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन में या अंकुरण में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में, श्वसन के दौरान पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा लेते हैं वो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक है या होता है। तो ऑप्शन हमारे पास है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बोरान। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बोरान इज द राइट आंसर। बोरान जो है वो एक सूक्ष्म पोषक होता है पौधों के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं यहाँ पे, स्टार्च का पाचन, फलों का पकना, लोहे को जंग लगना, लकड़ी का जलना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लकड़ी का जलना जो है वो प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक कौन सा है।
तो आयोडीन विलयन, बेनेडिक्ट विलयन, फेलिंग्स विलयन या मिलन संक्रमक, तो ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी की सीरीज में। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स कि आयोडीन स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? ठीक है, वैसे तो देखिए जो कीड़ा खाने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है घटपर्णी का, तो उसके अनुसार ही हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है जहेलिया, यूट्रिकुलेरिया, सॉल्विया और बॉल्सम। तो कीटों को पकड़ने वाला जो है यहाँ पे वो यूट्रिकुलेरिया है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है वो यूट्रिकुलेरिया नामक पौधा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतम वृद्धि होती है, अधिकतम वृद्धि कहाँ पर होती है? तने के शीर्ष पर, शीर्ष के कुछ पीछे, तने के आधार पर या पौधे के सभी स्थानों में? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। यहाँ पे तने के शीर्ष पर जो है अधिकतम वृद्धि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या उत्सर्जन द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश ऊर्जा जो है वो भोजन बना देती है, यानी कि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पे जल अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना, पोषक तत्वों का अवशोषण, ये जड़ों का, ये तीनों ही जो है वो जड़ों के कार्य हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जड़ों का कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं श्वसन, जैविक पदार्थों का क्षय, प्रकाश संश्लेषण या ज्वालामुखी क्रिया। तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो नहीं बढ़ाता है वो है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पुनर्हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे लाल है, ऑप्शन हमारा लाल, नीला, पीला, हरा और नीला। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। ठीक है, नीली रश्मियों का पुनर्हरित द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शंस हमारे पास हैं रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, दिन और रात्रि में या केवल दिन में। देखिए कुछ पौधों में दिन में होता है, कुछ पौधों में रात्रि में होता है। आप कहेंगे कि रात्रि में कैसे होता है? तो जो कृत्रिम लाइट होती है, यानी कि ऐस जो लाइटें वगैरह जलती रहती हैं, तो इनमें जो लाइटें हों उसमें रेड और ब्लू कलर की जो लाइट होंगी उनकी वेवलेंथ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, उसके दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो सकता है, दिन अथवा रात दोनों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेड़ पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस जो है वो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में परजीवी पौधे की पहचान करें। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं घटपर्णी, ब्लेडरवर्ट, अमरबेल और सूरजमुखी। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा कि परजीवी जो है वो यहाँ पे अमरबेल जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम कुछकुटा भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों ओर तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि ऑप्शंस हैं हमारे पास, मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुँच पाता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं में से संक्रमित हो जाती है, जड़ों के श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें जो है ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है,
जो ऊर्जा यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन होता है वो जड़ों तक पहुँच ही नहीं पाता है, तो इसीलिए जो है ये पेड़ जो है वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है यहाँ पे ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, नहीं। पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, नहीं। प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है, नहीं। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट ही है। तीव्र अवशोषण जो है वो ऑप्शन बी नीला और लाल, नीले और लाल रंग का अवशोषण जो है तीव्र गति से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश की बात की गई है, तो ऑप्शन हमारे पास है बैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या हरा प्रकाश, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लाल प्रकाश। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील लाल होगा और उसके बाद जो है नीला प्रकाश होगा, तो यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक क्रियाशील किसको लिया जाएगा, लाल को लिया जाएगा। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, ऑप्शन से हमारे पास परासरणीय अवशोषण, अंतःचूषण, सक्रिय अवशोषण या निष्क्रिय अवशोषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रिय अवशोषण। अधिक जल का अवशोषण जो है वो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों में द्रुत जल अवशोषण यानी कि रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन, सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय अवशोषण। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा जो है रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं, रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाश कौन सा होता है, तो अभी अभी देखिए बात कर चुके हैं, नीली तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें या हरी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें या पीली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जो है, अगर ये साथ साथ नीला और लाल साथ साथ होता तो नीला और लाल दोनों ही हैं, लेकिन अगर दोनों से कंपेयर करेंगे तो लाल को पहले दिया जाएगा, चॉइस किया जाएगा, अगर लाल नहीं होता तो यहाँ पे नीला दिया आंसर माना जाता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन हमारे पास है साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो है पादप हार्मोन जो है वो फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।